हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के एक शानदार एपिसोड में फिर से। दोस्तों, क्या पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं का समय निश्चित है? क्या पृथ्वी पर होने वाले महाविनाश का समय निश्चित है? क्या एक निश्चित समय अंतराल के बाद महाविनाश जैसी घटनाएं होती हैं? इन सब महत्वपूर्ण बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही अजब गजब रहस्यों से भरे तथ्यों को लेकर आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है, और हमारी पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं का समय जो है निश्चित है। जिस प्रकार हमारी धड़कन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी की धड़कन भी मानी जाती है। एक निश्चित समय के अंतर पर पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से हमारे पृथ्वी पर महाविनाश जैसी घटनाएं होती हैं। कभी कभी ब्रह्मांड से आई हुई विपत्तियों की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर महाविनाश जैसी घटनाएं हुई हैं, और उनका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि डायनासोर का विलुप्त हो जाना। उस समय एक धूमकेतु, एक उल्कापिंड की वजह से हमारी पृथ्वी पर भयंकर महाविनाश हुआ था। दोस्तों, इन महाविनाश वाली घटनाओं का समय जो है वो निश्चित होता है, पृथ्वी की गति भी निश्चित होती है, और आंतरिक हलचल की वजह से वो घटनाएं उभर कर सामने आती हैं। चाहे वो भूकंप जैसी घटना हो, चाहे वो सुनामी जैसी घटना हो, या फिर मौसम परिवर्तन की वजह से होने वाली कोई घटना। दोस्तों, हर घटना का एक संबंध एक दूसरे से ज़रूर होता है, और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हर महाविनाश का समय जो है वो 2,75,00,000 साल का है। जो आंकड़े अध्ययन में लाए गए हैं, उनसे ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर हर 2,75,00,000 साल के बाद एक महाविनाश जैसी घटना अवश्य होती है। इससे पहले महाविनाश की घटना 70,00,000 साल पहले हुई है, और आगे की महाविनाश जैसी घटना लगभग 2,00,00,000 साल के बाद होगी। और ये कोई झूठा तथ्य नहीं है, ये आंकड़े गवाह हैं कि हर 2,75,00,000 साल के बाद पृथ्वी पर महाविनाश जैसी घटनाएं हुई हैं, और ये सब कभी न कभी किसी के न किसी की वजह से अवश्य होता हो। चाहे वो धूमकेतु की वजह से हो, चाहे वो उल्का पिंड की वजह से हो, चाहे वो पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से हो, और छोटी मोटी घटनाएँ तो होती ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही तथ्य हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।